Welcome to the world of GK, GK Sansar. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों का जीके और जीएस कमजोर है उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसमें वन लाइनर है और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आपका जीके कमजोर है तो आप हमारा वीडियो देखते चलें कि जीके और जीएस जो है काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और खुद पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जीके जो है वो काफ़ी हद तक सही हो गया है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी आपका सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि RPSC 2011 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब होगा दो बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसका विचार अभिव्यक्त होते हैं। ये क्वेश्चन जो है RPSC 2011 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, धरातलीय सजावट की पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतीकरण किसमें किया गया। ठीक है, ऑप्शन जो आपके पास इसमें नहीं है, वन लाइनर है, इसलिए सही जवाब जो होगा वही आपको दिया जाएगा जिससे कि आपको परेशानी ना हो और कहीं भी ऑप्शन दिखे तो आप आसानी से इसे टिक आउट कर लें। और एक क्वेश्चन जो है आपका RPSC 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है इतमा तू धौला का मकबरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गांधी से हुए पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर दिए थे। ये क्वेश्चन भी RPSC 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है BR अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस में किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। क्वेश्चन जो है RPSC 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है 23वें अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन है जो कि RPSC 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू ने ही प्रस्तावना का समर्थन किया था। तो याद रखें कि ये सब जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरी प्रश्न को जरूर देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। यह भी क्वेश्चन RPSC 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लोह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। और एक क्वेश्चन जो है UPSC 2015 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है धारवार क्रम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। क्वेश्चन जो है UPSC 2015 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहां हम लास्ट में आपको बता दिए हैं कि किस पेपर में पूछा गया है और आगे भी इससे पूछे जाने की प्रबल संभावना, इसलिए आप इसे मेंशन करते चलें और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करें अगर आपको परेशानी हो रही तो, जो कि आपके भविष्य में काम आए। और इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण क्या है। तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? तो ये है आपका गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है? और एक क्वेश्चन जेपीएससी 2015 में पूछा गया है, इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में ही चेरापूंजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो याद रखिएगा ये गोरखपुर है। गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का कौन से जगह पे मिलन होता है, यानी कि दोनों मिलते हैं आपस में? तो ये मिलते हैं देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 19, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसे प्राप्त है? यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा संसद को, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संतुति देनी होती है? इसका सही जवाब है 14 दिनों के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है संसद की, और यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये आपका है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसे करती है? तो यह करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है? और ये प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है, और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 331 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो यह होता है न्यायपालिका। 26 नंबर है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह शक्ति जो प्राप्त है वह है संसद को। 27 नंबर है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कहां की जाती है? तो यह की जाती है लोकसभा में। 28 नंबर है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। जो अनुच्छेद 108 है उसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो यह बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया? तो ये किया गया था नौवीं योजना में, ठीक है, नौवीं जो योजना हुआ था पंचवर्षीय योजना, उसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था, और ये प्रश्न है यूपीपीएससी 2015 का। 30 नंबर क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जो जाता है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो जाता है MS स्वामीनाथन को। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं 32 नंबर पे, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है। तो सूचकांक रेजिडेक्स जो संबंधित है यह आपका भूमि कीमत से है, और यह यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है। अब आते हैं 33 पे कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय किसका संस्थान स्थित है? जो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? यह प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का है,
और इसका आंसर है नोएडा में, ये नोएडा में स्थित है। आते हैं 34 नंबर पे, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो ये लाई गई थी सन 1998-99 में और ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है, तो है नाबार्ड। 36 नंबर, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है बिना पके फल के लैक्टिस से। 37 की बात करें तो लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, यह यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है कनाडा। 38 नंबर है, स्थानांतरित कृषि झूम किस राज्य में प्रचलित है, और ये प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया और इसका सही जवाब है असम। झूम खेती जो होती है पहाड़ों पर कटाई करके की जाती है, ठीक है, और इसका जो जवाब है वो है असम, आसाम में इसकी खेती की जाती है, वहाँ पे यह प्रचलित है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम जो है किसके द्वारा और कब विकसित किया गया था, तो ये किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में, और ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है और बहुत से परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है, और जो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है वह विमंदक की तरह किया जाता है। 41 नंबर है, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री खरपतवार जो होता है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और ये प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का है। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, सबसे सर्वाधिक मजबूत होने वाला जो पदार्थ है वह आपका है ग्रेफीन। अब आते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का है और इसका सही जवाब है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वह शरीर में भंडारित नहीं होते। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सहयोग करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।